ये तो झांकी है, वक्त का चोरों को निकालना बाकी है। ये तो झांकी है, वक्त का चोरों को निकालना बाकी है। पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे से मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों की लूट चल रही है। वक्फ संपत्तियों के लुटेरे अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति लूट चुके हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चल रहे वक्फ घोटाले के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी कांग्रेस ने आज वक्फ घोटाले के खिलाफ वक्फ बोर्ड का घेराव किया। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन शमीम अख्तर ने इल्जाम लगाया कि पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों की लूट का केंद्र बन गया है। ये बंगाल का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शामिल हैं। अगर इस घोटाले की सही से जांच की जाए तो कई बड़ी मछलियां फंसेंगी। शमीम अख्तर ने कहा कि वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इमाम और मुअज्जिन भत्ते में इजाफे की भी मांग की है। इस तहरीक से ये देना चाहते हैं जो यहाँ की अकलियत है, जो मुसलमान है, जो वक्फ की जायदाद को यहाँ की सरकार चोरी के भाव में बेनामी तरीके से चोरी कर रही है, यहाँ के प्रशासन के लोग से लोग जिस तरह से जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने आने वाली नस्लों के लिए दिया था, उनके खिलाफ ये तहरीक है। और ये तहरीक आज ये शुरू हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे बंगाल लेवल पे हम लोग इस तहरीक को मुख्तार भाई की क़यादत में, INTC के जो प्रेसिडेंट है कमर साहब की क़यादत में पूरे बंगाल में ले जाएंगे। अधीर दा ने कहा है कि अगर वक्फ की जायदाद मुसलमानों को मिल जाए तो वो मिस्कीन नहीं रहेंगे। आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आज से कंटिन्यू इसको हम लोग ले जाएंगे। और दिसंबर के महीने में आज के बाद हम लोग रानी रसमुनी करने जा रहे हैं, जिसमें अधीर चौधरी और इमरान प्रताप गढ़ी की शिरकत होगी। समीम साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वक्फ बोर्ड में स्कैम चल रहा है? देखिए जिस तरह से अभी मैं एक सालों से लड़ रहा हूँ, एक कब्रिस्तान की जमीन है 39 नंबर दरगाह रोड, जिसको बेनामी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को और फिर प्राइवेट कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में G+19 का कारपोरेशन ने परमिशन दिया, जबकि कारपोरेशन ये कह रही है कि ये असेसमेंट बुक में ये बैरियल ग्राउंड है, तो फिर किस तरह से उसमें परमिशन मिला? ये वक्त की मेरी भगत है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी हम लोगों की जो आज की जो मांग है, वो जो 2012 में जो मुअज्जिम और इमाम भत्ता जो चालू हुआ था, जो वक्त की जायदाद है, सरकार अपने बाप के घर से नहीं दे रही है, वो हम लोगों के ही चीज़ को यहाँ के इमाम और मुअज्जिम को वजीफे के तौर पर दे रही है। हम लोगों का डिमांड ये है कि जो 2012 में मुअज्जिम को 1,000 रुपया और इमाम को 2,500 रुपया दिया जा रहा था, आज हम लोगों का ये डिमांड है कि मुअज्जिम को 3,000 और इमाम को 5,000 उनका मुआवजा दिया जाए। और तीसरी हम लोगों की जो डिमांड है, वो वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पूरे बंगाल में है उसको वेबसाइट पर लाया जाए और उसकी आमदनी क्या है और उसका खर्च क्या है, इसको लाना पड़ेगा। आज इस मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद मुख्तार ने कहा कि वक्फ बोर्ड चोरों का अड्डा बन गया है, हम इन चोरों को वहां से निकाल कर रहेंगे। ये तो झांकी है, वक्फ बोर्ड का चोरों को निकालना बाकी है। ये तो झांकी है, वक्फ बोर्ड का चोरों को निकालना बाकी है। आज जो इमाम भाता को जो रोक दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा नहीं आ रहा था, सरकार बोले हम दे रहे हैं, सरकार के बाप का रुपया नहीं है ये, हम लोगों का वो पैसा है, हम लोग मुसलमान भाई अखिलतों का पैसा है। और जिस तरह जो हम लोगों पैसा को जिस तरह लूट मार किया जा रहा है, इसके विरोध में सईम भाई को हम एक बात कहा है, सईम भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चोर लोग को निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक तो चोर लोग नहीं देगा नहीं हमारा पैसा, हम भी क्यों बोलते भीख दे रहे, हमारे पुकरों को पैसा, अखिलतों का पैसा है, भीख नहीं मांग रहे। आज इमाम को दे रहे हैं, इमाम भाता, हम लोग इमाम का श्रद्धा करते हैं, आज जो हमने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं श्रद्धा करते हैं, इस्लाम भी बोला जाता है, इस्लाम में जो इमाम को जो अहमियत है हम सब मानते हैं, लेकिन आज इमाम को जिस तरह छेड़छाड़ किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, देसी सरकार के बारे में बोलिएगा आप, आपका इमाम भत्ता बंद कर दिया जाएगा।